हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर 12 हाउ हैवी हाउ लाइट में आज हम एनसीईआरटी क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। इसमें सबसे पहले हम देख लेते हैं आपके बुक के क्वेश्चंस हैं। व्हाट इज द हैवीएस्ट, मींस आपको बताना है कि हैवीएस्ट ऑब्जेक्ट कौन सा हो सकता है। तो हमें कुछ ऑब्जेक्ट्स के यहाँ पे नाम लिखने हैं। मेक ग्रुप्स ऑफ थ्री थिंग्स, फॉर एग्जाम्पल इरेजर, बॉल एंड पेपर। यूज द बैलेंस टू अरेंज दैम इन ऑर्डर ऑफ वेट, द लाइटेस्ट, द वन विद इन बिटवीन वेट द हैवीएस्ट। कंप्लीट द टेबल विद एटलीस्ट फाइव एग्जाम्पल्स। तो यहाँ पे हमें फाइव एग्जाम्पल्स ऐसे लेने हैं जिसमें कि हम वेट बता सकें कि सबसे कम वेट, कंपेरिजन करके बताना है कि कम वेट किसका होगा, फिर सबसे ज़्यादा वेट किसका होगा, और इन बिटवीन मतलब उनके बीच का जो वेट होगा वो कितना हो, कौन से ऑब्जेक्ट का होगा। तो इसे हम ले सकते हैं। एक एग्जाम्पल हमने जैसे ले लिया यहाँ पे पेपर, ठीक है, और एक लिया है इरेजर और एक लिया है बॉल, जैसा हमें यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो पेपर सबसे लाइटेस्ट होगा इसमें, सबसे हल्का, और हैवीएस्ट जो होगा वो बॉल होगा इन तीनों में, और इरेजर इनके बीच वाला वेट होगा, इन बिटवीन वेट, यानी इरेजर का वेट इन दोनों के बीच का वेट होगा। ऐसे हम अदर एग्जाम्पल ले सकते हैं, हैंकरची मीन्स हैंकी, स्कार्फ एंड शॉल। तो शॉल सबसे हैवीएस्ट हो गई, हैंकरचीफ थोड़ा सा छोटा होता है तो ये इसका वेट कम हो गया, स्कार्फ थोड़ा सा इससे ज़्यादा होता है बड़ा तो इसका वेट ज़्यादा हो गया। उसके बाद ग्रेप्स, डेट एंड पटैटो। पटैटो का सबसे ज़्यादा वेट है, ग्रेप्स का कम होता है। ग्रेप, एक ही ग्रेप लेंगे, और डेट, ओके। उसके बाद ऑरेंज, कोकोनट एंड पम्पकिन। तो पम्पकिन हमारा सबसे हैवीएस्ट हो गया है, ऑरेंज से सबसे ज्यादा लाइट है, और उन दोनों के बीच का वेट हो सकता है कोकोनट। देन ग्राउंडनट सबसे लाइटेस्ट वेट, उससे थोड़ा सा ज्यादा लेमन का, और लेमन के बाद पपाया का सबसे ज्यादा हैवी वेट हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट ले लेते हैं ग्राम्स एंड किलोग्राम्स। नेम फाइव थिंग्स दैट वी यूजली बाय। अब हमें बताना है कि ग्राम्स और किलोग्राम्स में हम कौन कौन सी चीजें खरीदते हैं। जनरली मेडिसिन ग्राम्स में होती है, टर्मरिक पाउडर, हल्दी पाउडर जो है उसको कहते हैं, तो टर्मरिक पाउडर हम ले सकते हैं ग्राम्स में लेते हैं। मस्टर्ड सीड्स, सोप वार, चिली पाउडर, ये भी हम जनरली ग्राम्स में लेते हैं। किलोग्राम्स में वेजिटेबल फ्रूट्स ले सकते हैं, शुगर लेते हैं, राइस, वीट, इस तरह की चीज़ें हम किलोग्राम्स में ले सकते हैं। नेक्स्ट है गैस एंड राइट द वेट ऑफ ईच थिंग ही बॉट इन ग्राम और किलोग्राम। तो ग्राम और किलोग्राम में जो वेट लिया गया है उसे हमें अरेंज करके बताना है कि राइस जो है उसका हमें यूनिट सही से लगानी है, फाइव है तो फाइव के साथ किलोग्राम आएगा क्योंकि यहाँ पे राइस है, शुगर है तो शुगर भी हम किलोग्राम में लेते हैं तो 1 किलोग्राम। देन मस्टर्ड सीड्स, सीड्स ग्राम में होती है, बहुत कम लेते हैं तो 10 ग्राम हो सकता है। वीट 3 किलोग्राम, किलोग्राम्स में मेजर करके लेते हैं। दाल 500 ग्राम, और टी 250 ग्राम, पेपर 25 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब्दू हैज अ स्टोन ऑफ 13 किलोग्राम, बट वन डे इट हैड ब्रोकन इंटू 3 पीसेस ऑफ 5 किलोग्राम, 6 किलोग्राम एंड 2 किलोग्राम। अब्दू के पास 13 किलोग्राम का एक पत्थर था बड़ा सा, उसका वो एक दिन टूट गया और उसके 3 पीसेस हो गए, 5 किलोग्राम, 6 किलोग्राम एंड 2 किलोग्राम, जैसा कि आप यहाँ पिक्चर में देख रहे हैं, ठीक है। हियर इज हाउ अब्दू वेट 1 किलोग्राम ऑफ फायरवुड। अब यहाँ पे उसने वेट करना था 1 किलोग्राम फायरवुड का, कुछ लकड़ियों का 1 किलोग्राम वेट करना था, लेकिन उसके पास यहाँ पे वेट तो है नहीं 1 किलोग्राम का, उसके पास सिर्फ 5 किलोग्राम, 6 किलोग्राम और 2 किलोग्राम का वेट है। तो वो कैसे वेट करता है इसे देखिए। जैसे सबसे पहले उसने ले लिया 5 और 6 किलोग्राम का वेट, एक पैन में रखा उसने 6 किलोग्राम वेट, दूसरे में रखा 5 किलोग्राम वेट। अब इन दोनों में जो डिफरेंस है, इन स्टोन्स में दोनों में जो डिफरेंस है दैट इज ऑफ 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम का डिफरेंस है। 5 एंड 6, इट मींस यहां पर हम क्या रख सकते हैं, 1 किलोग्राम का
1 किलोग्राम का वेट रख सकते हैं. देन दीज टू पैंस विल बी इक्वल और बैलेंस. ये बैलेंस हो जाएंगे जब हम 1 किलोग्राम का यहाँ रख देंगे, क्योंकि यहाँ 6 किलोग्राम है, यहाँ भी 6 किलोग्राम हो जाएगा. तो हमने क्या करा यहाँ पे, अब्दू ने यहाँ पे क्या किया, 1 किलोग्राम लकड़ियाँ फायरवुड रख दिया. ये जो वुड है वो 1 किलोग्राम की वुड है, ठीक है. तो 1 किलोग्राम की वुड, क्योंकि ये बैलेंस हो गया जब उसने यहाँ पे वुड रखना शुरू किया, जब वो बैलेंस हो गया बिल्कुल, तो ये इट मींस हो गया 6 किलोग्राम. तो ये टोटल यहाँ पे 6 किलोग्राम हो गया, इसका वेट जो है 6 किलोग्राम हो गया. 5 + 1 kg दैट इज 6 किलोग्राम. तो बैलेंस हो गए पैन, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी वुड है वो 1 किलोग्राम की हो गई, क्योंकि स्टोन तो 5 किलोग्राम का था, ठीक है. अब आगे हम देखते हैं. नाउ यू शो हाउ अब्दू विल यूज दीज स्टोन पीसेस टू वे. अब उसे वेट करना है 4 किलोग्राम ऑफ फायरवुड. 4 किलोग्राम ऑफ फायरवुड के लिए क्या करना होगा, हम देखते हैं कि फायरवुड के लिए यहाँ पे करेंगे कि 4 किलोग्राम फायरवुड मेजर करने के लिए हमें डिफरेंस देखना होगा स्टोन्स में. स्टोन का डिफरेंस हमने देखा था, एक का 6 किलोग्राम है, एक का हमारे पास जो पहले हमारे पास जो वेट्स थे, यानी कि स्टोन के जो वेट थे वो हमारे पास थे 5 किलोग्राम, 6 किलोग्राम, 2 किलोग्राम, ठीक है. तो अब हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, 6 और 2 किलोग्राम का जो पत्थर है, स्टोन है, उसको यूज़ करेंगे. तो यहाँ पे 6 किलोग्राम हमें दिखाई दे रहा है, यहाँ पे एक पैन में रख दिया है. 2 किलोग्राम का भी यहाँ पे स्टोन दिख रहा है, ये रख दिया है. अब वुड जो है, अब इनको इक्वल बनाना है, बैलेंस करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, 2 किलोग्राम में कितना वेट डालेंगे कि 6 किलोग्राम हो जाए और ये बैलेंस हो जाए. तो 2 किलोग्राम में 4 किलोग्राम अगर हम ऐड कर देते हैं, तो 4 किलोग्राम की वुड ऐड कर दी और ये ऐड करते ही ये 6 किलोग्राम हो जाएगा और ये पैन बैलेंस हो जाएगा. तो ये जो वुड आएगी ये 4 किलोग्राम की हो जाएगी. सो अब्दू पुट 6 किलोग्राम स्टोन इन द वन पैन ऑफ द वन ऑफ द पैन एंड 2 किलोग्राम स्टोन इन अनदर. द पैन विद द 6 किलोग्राम स्टोन विल गो डाउन. पहले ये नीचे चला जाएगा क्योंकि यहाँ तो 2 किलोग्राम है, ठीक है. अब देन ही विल पुट ऑन द फायरवुड इन 2 किलोग्राम स्टोन पैन. अब क्या करेंगे, जो वुड रखेंगे वो 2 किलोग्राम वाले पैन में रख देंगे और ये इसके बराबर हो जाएगा. एंड बोथ द पैंस विल बिकम बैलेंस्ड. दस अब्दू विल यूज 2 किलोग्राम एंड 6 किलोग्राम स्टोन टू वे 4 किलोग्राम ऑफ फायरवुड. तो इस तरह से वो 4 किलोग्राम फायरवुड को वेट कर सकता है. नेक्स्ट है 3 किलोग्राम फायरवुड. इसको कैसे बैलेंस करेंगे, तो यहाँ पे एक पैन में ले लेंगे 5 किलोग्राम, एक में 2 किलोग्राम ले लेंगे. इन दोनों का डिफरेंस है 3 किलोग्राम. तो 3 किलोग्राम की यहाँ पे जो भी वुड रखेंगे जब बैलेंस हो जाएगा, 5 किलोग्राम बैलेंस हो जाएगा, तो इट मीन्स ये वुड जो है 3 किलोग्राम की हो गई है. 7 किलोग्राम फायरवुड के लिए क्या करना है, पहले हम 5 + 2 किलोग्राम का वेट रख देंगे, दोनों का प्लस करेंगे तो 7 किलोग्राम हो जाएगा. तो एक पैन में 7 किलोग्राम वेट है, तो हम वुड रखते चले जाएंगे और बैलेंस जब हो जाएगा तो इट मीन्स ये 7 किलोग्राम की वुड हो गई है. तो अब्दू पुट 5 किलोग्राम एंड 2 किलोग्राम स्टोन इन वन ऑफ द पैन. इनमें रख दिया दोनों को. द पैन विद द 5 किलोग्राम एंड 2 किलोग्राम स्टोन विल गो डाउन. अभी नीचे तो जाएगा, यहाँ पैन में कुछ नहीं है. देन ही विल पुट ऑन द फायरवुड इन अनदर पैन. इसमें फायरवुड रखना शुरू किया. एंड बोथ द पैन्स विल बिकम बैलेंस्ड. और ये बैलेंस हो गई, तो इट मीन्स ये 7 किलोग्राम है, तो ये भी 7 किलोग्राम वुड हो गई. दस अब्दू विल यूज 2 किलोग्राम एंड 5 किलोग्राम स्टोन्स टू वे 7 किलोग्राम ऑफ फायर वुड. इस तरह से हमारे एनसीईआरटी के ये वाले क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं. बच्चों, आपको इस चैप्टर से रिलेटेड अगर वीडियोस देखनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देख सकते हैं, और मेरी आने वाली वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं अपना चैनल माइलस्टोन.